आज से शुरू होने जा रही है भारत के युवा ब्रिगेड की असली परीक्षा। जी हाँ, आज है मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, और वो भी दक्षिण अफ्रीका में किंग्समीट डरबन में। तो किंग्समीट डरबन में भारत के जो युवा ब्रिगेड है वो किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो यंग गन्स हैं जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया था अपने देश में, क्या दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका को परेशान कर पाएगी? जैसे ऑस्ट्रेलिया को T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में शिकस्त दी, क्या दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में शिकस्त दे पाएगी? क्योंकि आपको बता दूं कि इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही T20 विश्व कप में उनका भविष्य टिका है। तो आज जो पहला T20 इंटरनेशनल किंग्समीट डरबन में खेला जाना है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, उसमें किस टीम का पल्ला रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किंग्समीट डरबन में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ भारत के युवा खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है, जहां पर T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की भरमार है। तो एक तरफ भारतीय टीम में भी जो युवा खिलाड़ी हैं वो T20 फॉर्मेट को बहुत पसंद करते हैं। एक तरफ आप देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में पावर हिटर्स की एक पूरी फौज है, तो दूसरी तरफ अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो यहां पर भी जितेश शर्मा, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हर गेंद पर स्ट्रोक खेलने का अनुभव भी है और आदत भी है। तो किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, अगर हम बात करें तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में खेलना एक अलग अनुभव होगा भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए। यहां के विकेट पर पेस होता है, बाउंस होता है, हालांकि T20 इंटरनेशनल में फ्लैट विकेट ही बनाई जाती है, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इंडियन बैटर्स के लिए यह राहत की खबर होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय प्लेइंग 11 की, हम बात कर लें तो अगर हम भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए सरदर्द थोड़ा ज्यादा है, और यह सरदर्द शुरुआत से ही शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि तीन ओपनर हैं, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, इनमें से खेल कोई दो ही सकते हैं, तो कौन खेलेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो यशस्वी लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जिस तरह से वो राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल स्ट्रोक खेलते हैं उससे टीम को एक मोमेंटम मिलता है। तो यशस्वी जायसवाल को आप वहां चाहेंगे क्योंकि वो एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन बाहर कौन है? शुभमन गिल हैं, तो आप उनको भी नहीं छोड़ सकते, उन्हें तो भविष्य का जो है ग्रेट प्लेयर माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कप्तान के लिए फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अभी मानकर चल रहा हूं कि शुभमन गिल को मौका मिलेगा और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। अब सवाल उठता है कि नंबर तीन पर कौन, और यहां पर जो मुकाबला है वो मुझे लग रहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बीच में होने वाला है, क्योंकि जितेश शर्मा ने आखिरी दो T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया है उन्हें बाहर छोड़ना टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से किसी एक को ही प्लेइंग 11 में एकोमोडेट किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का पलड़ा थोड़ा सा आपको यहां पर भारी दिखेगा, क्योंकि चार नंबर पर खुद जो है कप्तान सूर्य कुमार यादव आएंगे, और पांच पर आपको रिंकू सिंह खेलते हुए दिखेंगे, और छह पर जितेश शर्मा आ सकते हैं, और सात पर आपको रविंद्र जडेजा जो कि टीम के उपकप्तान हैं वो आ जाएंगे।
फिर आठ पर जो है वो एक परेशानी है कि आप रवि विश्नोई के साथ जाना चाहेंगे या कुलदीप यादव के साथ जाना चाहेंगे। रवि विश्नोई T20 इंटरनेशनल में अभी दुनिया के नंबर वन बॉलर है, लेकिन कुलदीप ने जिस तरह से हाल के समय में प्रदर्शन किया है उन्हें बाहर रखने का फैसला भी आसान नहीं होगा। तो इन दोनों में से नंबर आठ की पोजीशन पर किसे मौका मिलता है यह देखना दिलचस्प होगा। और इसके बाद तीन तेज गेंदबाज होने चाहिए जिसमें सिराज, अर्शदीप और मुकेश कुमार जो है वो दिख रहे हैं। तो ये होगा भारत का प्लेइंग 11 और इसी के साथ भारतीय टीम जाना चाहेगी। लेकिन इस टीम के साथ वही समस्या है कि आप पांच गेंदबाजों के साथ ही जा सकते हैं क्योंकि कोई ऑलराउंडर उस तरह का है नहीं, क्योंकि एकमात्र ऑलराउंडर जो है वो रविंद्र जडेजा है और वो पांच बॉलर में इंक्लूडेड है। तो ये एक जो है कह सकते हैं आप भारतीय टीम का कमजोर पक्ष है। और एक और बात जो भारतीय टीम का कमजोर पक्ष बनता है वो ये बनता है कि टेल जो है वो बहुत लंबा है। रविंद्र जडेजा के बाद कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जिन पर कि आप भरोसा कर सकते हैं बल्लेबाजी में। दीपक चाहर को मौका देते हैं या नहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर दीपक चाहर आठ पर आए तो वो कुछ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला लेना भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है और जैसा मैंने कहा कि वो टीम जो है स्ट्रांग टीम है, मार्करम टीम के कप्तान होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैंड्रिक्स जो है उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे, फिर क्लासेन आएंगे, फिर मिलर आएंगे, तो टीम उनकी आपको स्ट्रांग दिखेगी। उस टीम में ऑलराउंडर्स की भी भरमार है और पावर हीटर्स की भी भरमार है। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि शायद दक्षिण अफ्रीका भारी पड़ जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भारत के पक्ष में हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 24 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 13 में भारतीय टीम जीती है और 10 में दक्षिण अफ्रीका, और एक मैच का फैसला नहीं आया है। अब आपको लग रहा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में भारत का प्रदर्शन कैसा है, तो वो और भी बेहतरीन है। वहां पर 7 मैच भारत ने T20 के खेले हैं और उसमें 5 में जीत हासिल की है। तो इस लिहाज से आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका की जो पिच है वो भारतीय खिलाड़ियों को T20 इंटरनेशनल में रास आती है। और ये बात भी है कि अगर यशस्वी जायसवाल चल जाएं, शुभमन गिल चल जाएं, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, आप नाम लेते जाइए, अगर ये सभी जिस तरह के पावर हिटर हैं अगर ये चल जाएं तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए काम मुश्किल हो जाएगा। तो आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे जब यह मुकाबला शुरू होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि भारत के जो यंग गन्स हैं वो दक्षिण अफ्रीका को अपने निशाने पर लेंगे। एक जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।